अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिया कुक। आज मैं आपको चीज़ ब्रेड की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत आसानी से फ्राई पैन में बन जाएगी। इसके लिए मैंने एक बोल में हाफ कप पानी लिया है जो मैंने नीम गर्म इस्तेमाल किया है, और अब इसमें एक चाय का चम्मच चीनी, एक चौथाई चाय का चम्मच नमक और डेढ़ चम्मच जो है मैंने इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की है। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अब मैं इसमें एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी और 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर के। अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल के डाले हैं। आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा तो ब्रेड देखिएगा कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसमें 2 कप मैदा डाल रही हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें मिक्स करूँगी। शुरू में मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स किया था, अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से घून लूँगी। मुझे थोड़ा सा पानी कम लगा था, उतना मैंने डाल लिया। आप भी अपने मैदे के हिसाब से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं घूनना। अब मैं 1 खाने का चम्मच इसमें मक्खन शामिल कर रही हूँ, सॉफ्टन बटर है रूम टेम्परेचर पर। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस डो को आपने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से घूनना है। जितना अच्छा आप घूनेंगे उतनी सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। अब उसी बोल में जिसमें मैंने सारा मैदा वगैरह मिक्स किया था मैंने ऑयल ब्रश कर दिया है और इसका पेड़ा बना के उस बोल में रख दूँगी। मौसम के हिसाब से देखिएगा कि कितनी देर में राइस होता है। आजकल ज़रा मौसम सर्दियों का है तो इसलिए 1-1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन अगर गर्मी हो तो बहुत जल्दी भी राइस हो सकता है। इसकी मैं 2 चीज़ ब्रेड बना रही हूँ और अब मैं हाथ की मदद से ही इसको शीट पर फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है आपने बेलना। 1 कप मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके इसमें डाल दी है और इसमें मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा और फ्लैट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है आपने करना ताकि फट ना जाए। अब मैं फ्राई पैन में ऑयल ब्रश करूँगी, हल्का सा ऑयल ब्रश करूँगी और उसमें डो जो है रख दूँगी। इसमें इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर मैं इस पर एग योक ब्रश कर रही हूँ। एग योक ब्रश करने से ज़रा कलर अच्छा आता है। और अब इसको चूल्हे पे मैं रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 15 मिनट लगेंगे, मतलब टोटल टाइम जो है 30 मिनट्स लगेगा। चूल्हे और जो पैन है उस पे बहुत डिपेंड करता है, हो सकता है आपको इससे कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे एक साइड पर 15 और फिर दूसरी साइड पर 15 मिनट लगे हैं। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ, चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके, और इसके ऊपर अब मैं ऑलिव्स डालूंगी। ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक अनियन या शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये जो भी चीज़ आपको पसंद है वो इस पे डालें। इस डो से बहुत सारी चीज़ें भी बन सकती हैं। एक ही डो की रेसिपी है जिससे आप पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी जब तक चीज़ मेल्ट हो रही है। मज़ेदार चीज़ ब्रेड तैयार हो गई है, अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।